Black book. Now, this one question I have got from a lot of BMS students. So, in this video, guys, we're going to talk about black book. Aapko kaise banani hai, how you can finalize your topic. At the same time, exactly isme kya kya include aapko karna hai, kaise aap maximum score kar sakte ho. So, make sure, guys, that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So, do subscribe. Okay, first thing, black book, obviously black color ki hogi, golden embossing ke saath, and there will be like hard bound. Isme bachcho ke bahut paise jaate hain, but you can't help. So, iske liye jab tak aapka project approved nahi hota hai, aapko ye hard bound book nahi banani hai. You will just get it approved, aur uske baad ye book banti hai. Ab ye dikh to kafi zyada pages ki rahi hai, but minimum you have to have 7 to 80 pages. यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया आपको कहाँ मिलेगा अगर आपका कॉलेज इतना आलसी है कि आपको वो भी नहीं दिया. बिकॉज MU.AC.IN पे पूरा फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट इतना रिजिड है कि अगर आपका नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है, विच इज़ मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है, तो आपको वही फॉलो करना है. देर इज़ नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट चेंज. अब मार्किंग की अगर हम बात करें तो 75-25 है. 25 जो है जो आपकी इंटरनल फैकल्टी है, मतलब आपकी कॉलेज की, वो आपको 25 मार्क्स देती है, और आपके जो 75 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे इस बुक के वाइवा पे डिपेंड करते हैं. तो जैसे कि बीएमएस में होता है, यू टेक स्पेशलाइजेशन आइदर इन मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर. डिपेंडिंग ऑन दिस, फाइनेंस वाले अपना टॉपिक ढूंढते हैं, मार्केटिंग वाले अपना टॉपिक, और एचआर को अपना टॉपिक ढूंढना होता है. सो नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक अच्छा टॉपिक चुने, बिकॉज आपके जो वाइवाज होंगे डिपेंड करता है, 15 मिनट से आधे घंटे तक के वाइवाज लिए हैं स्टूडेंट्स के. सो दैट्स द रीज़न कि आप जो ये ऑटोमेटेड AI टूल्स है उसको यूज़ कर सकते हो रेफरेंस के लिए, बट एक बार रीड कर लेना, भले वो आपका यू नो चैट GPT हो या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो. AI टूल अगर आप यूज़ कर रहे हो टू जनरेट योर ग्राफ, पाई चार्ट या फिर आपका एनालिसिस जो है वो विद इन मिनट्स तो हो जाएगा, बट वाइवा के लिए आपको थरोली वो टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी आपने यहाँ पे डाली हुई है. नाउ एज आई मेंशन कि इसमें पैसे बहुत जाते हैं, ऑब्वियसली हार्ड बॉन्ड के लगते हैं, मैं आपको मिनिमम कॉस्टिंग भी बता दूंगी. उसके बाद यू नो ये ब्लैंक पेपर रखना इंपॉर्टेंट है अंदर, एंड देन दिस वे आपको पार्टीशन करना है. एज यू कैन सी दिस शीट ऑफ प्लास्टिक, ये भी कई कॉलेजेस में मैंडेटरी है, तो ये भी आपको लगवानी है. तो आप कोई भी प्रिंटर वाले के पास जाओगे जो BMS के प्रोजेक्ट प्रिंट करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें पता होगा. अगेन आपका जो पेपर क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए. आप दोनों साइड प्रिंट नहीं कर सकते, आपको एक ही साइड प्रिंट करना है, विच इज योर RHS राइट हैंड साइड पे. आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंट नहीं करना है. सो दिस इज द फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट. बाकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके चेक करो. जैसे कि फर्स्ट पेज आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका नाम, देन यू नो कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी नंबर, एवरीथिंग, एंड सुपरवाइज बाय जो आपकी फैकल्टी है. अब आपकी फैकल्टी अगर आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट, बट एक अच्छी फैकल्टी अगर आपको मिलती है तो आपका ये काम बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाने के पहले वो आपका पूरा प्रोजेक्ट थरोली देख लेते हैं. सो इट बिकम्स ईजियर सो दैट दे कैन मेक यू वर्क. ये जो 3 महीने आपके पास हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आप सारी चीज़ें सही तरीके से कर लो. बट अगर फैकल्टी आलसी है तो आप भी आलसी हो, तो हो गया, फिर वो क्या होगा, गॉड ओनली नोज. Then there is a certificate. तो ये जो format जो follow हो रहा है ये proper format है. Then there is an acknowledgement, there is abstract. Then आता है आपका table of content. उसके बाद मतलब कौन से पेज पे क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू प्रिसाइसली राइट. देन योर इंट्रोडक्शन, यहाँ से शुरू होता है आपका पूरा प्रोजेक्ट. एंड देन एंड में यू नो एज यू कैन सी पूरे एनालिसिस देके ग्राफ और पाई चार्ट में सारी चीज़ें रखी गई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नंबर्स देख के काफ़ी ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी समझना और आपके लिए भी. सो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. देन क्वेश्चनर जो आपने यूज़ किया है फॉर योर सर्वे वो भी आपको एंड में अटैच करना होता है. और एक ऑप्शन है BMS स्टूडेंट्स के पास, अगर आप टॉपिक ढूंढना नहीं चाहते और आपने कोई अच्छी इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप लेटर भी इसमें अटैच करना होगा आपको. ओरिजिनल नहीं, फोटोकॉपी. यू हैव टू सबमिट द प्रूफ कि आपने यहाँ पे इंटर्नशिप किया है. That's the reason you are making your project on this topic. Now I'm giving you some of the website जहाँ से आप easily topic search कर सकते हो for finance, marketing and HR also. कुछ links हैं वहाँ पे जाके आप explore करो, topic देख लो, और उसके बाद अभी तक अगर आपने approve नहीं कराया होगा with your concerned faculty, please get it
एंड अप्रूव्ड. अप्रूव्ड होने के बाद आप ये कैसे करोगे, लाइक यू नो यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट, वो तो एक चीज़ है. बट अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हो कि भाई मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा है, या टॉपिक मिल गया है उसके बाद क्या. सो वन ऑफ द फैकल्टी, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ऑफ BMS ओनली, शी सजेस्टेड कि आप बच्चों को ये बता सकते हो कि डाउनलोड रिसर्च पेपर, कम से कम 15-20 रिसर्च पेपर डाउनलोड करें एंड स्टार्ट रीडिंग इट. अगर एक बार आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो 15-20 ऑन द सिमिलर टॉपिक दैट यू वांट टू पिक अप, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डिसाइड एंड डू योर प्रॉपर रिसर्च. बिकॉज रिसर्च में ही बच्चे अटकते हैं, और रिसर्च करने का बेस्ट मेथड है कि पहले आप रिसर्च पेपर पढ़ लो तो आपके क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे. There's also one subject which is review of literature, जो आप लोगों को होता है. अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पेपर के लिए यूज़ कर लेना जितने भी पेपर्स, यू नो रिसर्च पेपर दैट यू हैव स्टडीड. सो दैट वे इट विल हेल्प यू इन दैट सब्जेक्ट एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बुक. और अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिख दो, बिकॉज अगर पार्ट टू वीडियो बना सकते हैं ऑन द टॉपिक एंड यू नो वेयर यू कैन डाउनलोड द रिसर्च पेपर, आई विल मेक अ पार्ट टू एज वेल. ये इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइज टू स्टार्ट मेकिंग अ ब्लैक बुक एंड स्कोर वेल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी AI टूल यूज करो प्लीज, जितना 60-70 पेजेस है ना, ये अच्छे से रट लो. और यू नो इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरनेट पे पूछे गए, या अपने दोस्तों को ये प्रोजेक्ट दो और बोलो कि यार तुझे क्या क्वेश्चन लगता है तू मुझे पूछेगा, इस तरीके से यू कैन स्कोर रियली वेल इन योर वाइवा. सो बी थरो विद योर टॉपिक, दैट इज व्हाट यू नीड. हाउ यू डू द प्रोजेक्ट वो तो चलो तुम्हारी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है, बट यू नीड टू नो इन एंड आउट ऑफ इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आई होप गाइज द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन मीडिया मेंटेड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.